अजूबा मरल ही मिल गया आपने कोई? सबसे बड़ा मरल तो इधर ही छे। ये मुफासा, ये सिम्बा। मरल का साइज भी शेर के जैसा ही है। शेर नहीं, या तो विप्या ने कुत्ते को पकड़ा अभी। हालांकि मुफासा नहीं है, शेर ही बैठता भाई वैसे जगह पे। ये सब दुकानों का नया है दोस्तों। आज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं हंटिंग ब्लैक रॉड है और सिमानो का कुराडो और रील है बेट कास्टिंग सिमानो का 201 HG। लाइन है फिसा होली का और दोस्तों लूर स्कम फ्रॉग है। समय समय पर बदला जाता है। की तरफ से तो वीडियो भी नहीं आएगा। बाप रे पानी कितना ठंडा है। स्कम का ही दूसरा लगाता हूँ, निकालना पड़ेगा बेसरम से। मार मार के पानी बेसरम से नीचे चले जाएगा ना साजिद भाई, बहुत खतरनाक खेल होना है। पूरे मरल है ना, पूरे बेसरम में भाई की चलती। अच्छे साइज है दोस्तों, बहुत गजब का साइज है। ऐसे ही बेसरमो से ना खुद निकालना पड़ता है। टप्पा 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 टप्पा, क्या साइज है यार सही में। वो इसको बेसरम से बहुत मुश्किल से निकाला हूँ। टप्पा 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 टप्पा, देखिए जब करके। ओह हो माय गॉड, साइज है कि क्या है, मजाक है। कितना मस्ती करके ये निकल के मारा। बाप क्या साइज है। हाइट छोटे है बट खतरनाक साइज, मोटा एकदम। कम है लंबाई, क्योंकि लंबाई बहुत। क्या है यार ये तो देखो कितनी मोटी है, अलग ही मरल। दोस्तों ये भुटका मरल है, हालांकि इसकी मोटाई इतनी बेहतरीन है ना, ये बोना बोना बोल सकते हैं इसको। दोस्तों ये हमारे साजिद भाई, अब भी फिलहाल बड़ा मछली पकड़ने का सपना इनके जरिए ही समझ लो पूरा हुआ। इस सीजन का फर्स्ट बड़ा साइज और ये मरल। मैं बताता हूँ आपको, पहले इसका हुक निकाल लेते हैं। कैसा आके भड़बड़ 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 करके पकड़ा उसने, तीन चार बार मरल। दोस्तों ये फ्रॉग लुकाना का गिल्ली फ्रॉग, गिल्ली पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन वो गिल्ली फ्रॉग, गिल्ली मतलब वो भीगा हुआ नहीं, गिल्ली डंडे वाला जो गिल्ली रहता है ना दोनों तरफ से, उस टाइप का है गिल्ली फ्रॉग। अभी मरल आपको बताता हूँ। ये कटा हुआ है यहाँ से, शायद नई उगी है इसको। और यहाँ से एकदम जाली दिख रही है। हाँ। ये देखो दोस्तों बोना बोना मरल, ये बोना मरल है। इनका दुम देखो, ये शायद कटी हुई है, बहुत ही छोटा फिन है दुम का। मोटा तो इतना है, इतना बेहतरीन, लेकिन बौना है। अगर इसकी अगर परफेक्ट लंबाई अगर गिनते थे ना तो ये रहती थी। क्यों साजिद भाई? मोटाई के हिसाब से ये रहती थी। मजा आया, बाकी फाइट किया इसने जैसा फाइट करना चाहिए। कहाँ रखते इसको? हाँ यहाँ पे मत्थे भी फॉल रही है, यानी कि मतलब अजूबा मरल ही मिल गया आपने कोई। ये देखो गड्ढा ऐसा, मारपीट खाया हुआ दिख रहा है। हाँ लेकिन क्या बंदे ने कोशिश किया आके। ठंडी बहुत ज्यादा है और धूप निकले बाद एक्टिव होगा मरल, और ऐसे फाइट करने को मिले अपने को, बहुत ही मजा आया यकीन मानो। बहुत दिनों बाद लॉन्ग टाइम, मोटापा आप देख सकते हैं पूर्ण रहा, इतना भयानक। ये हमारे फारूक भाई साजिद भाई के साथ में आए हुए। फारूक भाई आपके हवाले। 4 किलो है, 3 किलो। मेरा मेंढक अटक गया दोस्तों और यहाँ मरल बैठा हुआ है। इसे टप्पा 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 ऐसा आवाज़ जब होता है ना तो बेसर, और ये बेसरम की झाड़ी के अंदर जो रहते हैं तो वो मरल है ना, वो आती आवाज़ सुन सुन के। तो इसके लिए एक ही जगह पे मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कि साइज बड़ी है। एक ही साइज लग गया तो कैसा, 10 छोटे के बराबर है ना, इसके लिए एक ही जगह पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ। शायद अगल बगल यहाँ नहीं है तो आते थे आवाज़ सुन के। सबसे बड़ा मरल तो इधर ही छे, ये देखो ना, ये अंगूठा, दूसरा, तीसरा, चौथा।
शेर इधर शेर कर रहे हैं। ये मुफासा, ये सिम्बा इधर भी है। दोस्तों मुफासा सिम्बा को लेके घूम रहा है, ये डेंजर इलाका है, इसके लिए इधर कोई आता नहीं। मरल का साइज भी शेर के जैसा ही है। इधर जितना बड़ा रिस्क है ना उतना बड़ा रिवॉर्ड भी है, बहुत सारे निशान है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इधर से होके इधर का ही निशान गया हुआ है और हम भी उधर ही बढ़ रहे धीरे धीरे। इधर साजिद भाई को भी लगा मरल एक्टिव होना चालू हो गया, क्योंकि सवेरे कुछ भी अटैक नहीं हुआ, हम बहुत भटके। जैसे जैसे धूप निकल रही वैसा अटैक शुरू हो गया समझ लो। चाल दिख गया था ना आपको, चाल देख के गया यानी कि एक्टिव हो चुके हैं हमारा। ये देखो साजिद, ये भी अच्छी है माशाल्लाह। साजिद भाई निकालना है। अभी अच्छा खेल रहे तुम। बोलो ना ऐसा निकाल निकाल के मारना पड़ेगा। हालांकि मुफासा नहीं है, मुफासा से कम भी नहीं। कितना हल्का अटैक किया दोस्तों ये, बाप रे अच्छी साइज पता ही नहीं चल रहा था। ओह माय गॉड, देखो दोस्तों जगह चुनना पड़ता है। जगह आप देखो ना एक बार, वहाँ दिखाओ क्लोज करके, वो तीनों चारों तरफ से झाड़ी है। वहाँ मरल घात मतलब जगह बना के रहते ही है, वहाँ कैसा घात लगाने के लिए अच्छा है। कोई भी बारीक मच्छी या झींगे वगैरह जो भी कीड़े मकोड़े मिला तो उसको पकड़ने का आसानी रहता है। जस्ट मेरा एक कोशिश था कि मैं वहाँ से एक निकालूंगा, तो निकाला भाई। साइज देखो बेहतरीन साइज, शेरी बैठता भाई वैसे जगह पे, जंगल था ना बिल्कुल। ये देखो हुक कितना खतरनाक घुसा है, अटैक से पता नहीं चला छोटा है या बड़ा है। एक्चुअली क्या है इनके ये गड्ढे, यहाँ का कुछ मरल मुझे अलग ही देखने को मिल रहा है। ओहो लंबी मरल, गिल्ली फ्रॉग मिसी नहीं कर रहा है। ये गिल्ली फ्रॉग का मैं पूरा बताऊंगा, अवेलेबल अगर हो सके तो मैं अवेलेबल भी करवाऊंगा। ये देखो दोस्तों इतना भयानक दिख रहा है। मुफासा से छोटा है लेकिन मुफासा ही है भी। साइज यार, साइज का जब दोस्तों कोना पकड़ना ही पड़ता, कोना नहीं पकड़ेंगे ना, कोना खेल खेल के नहीं निकालेंगे ना। अपन बड़ा मरल पकड़ने आए, छोटा नहीं पकड़ने आए कि जगह तुरंत तुरंत चेंज करो। एक कोना पकड़ के वहाँ पे आवाज कर करके वो आता है उस जगह पे कि क्या हलचल हो रही, देखने तो आता कम से कम। वो मेढकी कीड़े सारी का कोई लूर दिख गया तो पकड़ते ही है दोस्तों। इसके लिए इसमें मेहनत ज्यादा लगती, कामयाबी मिलती है। अच्छी साइज है, पता नहीं चला अटैक किया जब। दोनों भी मरल इस फ्रॉग पे लगा, गिल्ली फ्रॉग नाम रखा हूँ मैं इसका। ये देखो इसका शेप एकदम सामने से सुआ है और पीछे भी आके सुआ है, यानी हुक ये सीधे पे रहता है। जैसे भी पकड़ा ना तो हुक को खेलने का मौका मिलता है। हालांकि जो भी डिजाइन किया मेरे तरफ से उनको खूब सारा शाबाशी। ये देखो हुक निकलता है, हुक चिपका हुआ रहता है, हुक निकल जाता है, इधर खेलने को मौका मिल जाता है। ये लुकाना वालों ने लॉन्च किया है और काफी बेहतरीन। हालांकि मैं इतना मेहनत से खेल रहा हूँ तो कोई भी लूर पे अटैक करता था वो, लेकिन मुझे ये जचा आज तो ये चला रहा हूँ। और आंखें भी खतरनाक ऐसी दिख रही कीड़े के शरीर का, या तो एक वो जो लॉटन होता है ना गोल्डन कलर का, उसी शेप में बिल्कुल ब्लैक कलर में। अटैक बहुत मामूली किया था, बहुत ही मामूली अटैक, से नहीं लगा था कि इतना बड़ा होगा। एक आधा और निकल जा, निकलेगा तो मुफासा ही निकलना। उधर ही जा रहे अपन है ना, बढ़ रहे। ये हमारे साथ में काली है, काली बहुत दूर तक नदी होगी। कितना पानी काली के जंगल में से, अभी अभी तो शेर आ गया इधर से। पकड़ा गया, उधर दोस्तों शेर ने या तो बिपटिया ने कुत्ते को पकड़ा, अभी पकड़ लिया। चिल्ला रहे लोग उधर,
अरे अभी अपने को उधर से होके जाना है। टिपटे कुत्ते को पकड़ा, पकड़ के गए के लिए वो वापस आए। ठीक है, कब उधर चले गए पता नहीं चला, जंगल 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 जंगल। अब यहाँ से हम 15 मिनट से चल रहे। वो बिपटिया ने कुत्ते पकड़ के लेके गया, इसके लिए हम उधर अंदर से गए नहीं। और शेर के पंजे भी देखे, शेर के पंजों के निशान भी। गांव वाले पार्टी मना रहे क्या? ओ ये मछली पार्टी है। अच्छा, और वो मछली पार्टी है। होने वाली हो कि दादा कुछ लाए रखने का? बार बार चबड़ भी उखेड़ जाए रखने के, बार बार चबड़ भी उखेड़ जाए रखने के। बेहतरीन साइज, और ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय कम है। इसको फटाफट निकालते हैं और समय बिना लेते हुए। बहुत तराज दे रहा यार, हवा के उल्टे पे चल ही रही। कम समय में पूरा जगह छानना पड़ेगा। और हवा से कैसे मिट्टी का हलचल देखने नहीं दे रहा ना। ये देखो कैसा अटका लिया रहेगा, मैं कैसे निकालूं इसको। माय गॉड, चलो बिल्ली पूरा बहुत खतरनाक दिख रहा, मिस नहीं हो रहा है। मिस नहीं हो रहा है, अच्छी बात ये है कि मिस नहीं हो रहा है। बाप रे अग्रेसिव। ये देखो दोस्तों बेहतरीन, ये देखिए ये मुंगनी मरल है, फुल मुंगनी, खतरनाक। अरे यार इसको मरल को खींचा ना, मच्छी उठी वहाँ पे घूमती है, जो ऊपर कचरा दिख रहा है। ठीक है,
थी तो आपस वही पे क्या था मालूम, मेंढकी फेंका वैसे जैसे झाला हुआ जी भागी जैसे। तो रब होगा फिर हा? रब होगा भागी ना। अब रोहू है कि मराठी है, मरल नहीं डरता ना। यार बोला बहुत जल्दी शाम हो रही है, दिल धड़क रहा है, और समय मिलना तो थोड़ा मतलब भर खेलने का। एकदम इतना छोटा था। दो में से कुछ तो हुआ है, या तो कुछ गिरा है या तो चाल किया। बहुत समय दे दिया घाव मारने के लिए, दिखाने के लिए। कितना अच्छा चांस दिया था, ये गलती पूरी मैं मानता हूँ, खुद का, मेरी खुद की गलती है ये। ये मेंढकी हुक भी चढ़ गया और बहुत बहुत ज्यादा, ये इधर रहना चाहिए ऐसा, पीछे ढीला टाइट हो गया था, इसके लिए मुंह में धंसा नहीं उसका, क्योंकि ऑलरेडी पानी भर जाता है ना। अरे फिर पकड़ बापा, बच गया है, बाप रे। क्यों यार ये तो अभी तुरंत मारा, कैसा पकड़ रहा है। इधर से आ जा, इधर से आ जा यार, दो चांस दिया ना यार, गुस्से से पकड़ा वो। ये अपना आखिरी और फाइनल, ये भूरा मरल लगा है अपने को। हाँ अरे एक पतलान है पर कितना लंबा है ये, कल्ले में लपेट लपेट के। तो दोस्तों ये ना आखिरी है, समय काफी हो चुका है, हालांकि हम यहाँ लेट पहुंचे, जल्दी पहुंचना था और पहुंचे भी तो पार्किंग की वजह से पिचिंग की तरफ चले गए थे, तो लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो और धमाल देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।